चलिए फिर गुड मॉर्निंग सबको। अपन स्टार्ट करेंगे इसमें टॉपिक ग्रीन रिवॉल्यूशन से, ठीक है। तीन टॉपिक कवर करना है अपने को आज, और तीनों टॉपिक जो है ये आपके जहां लिखना चाहिए उसमें मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए थोड़ा नया तरीके से पढ़ेंगे और कंटेंट वाइज ज्यादा पढ़ना है अपने को, ध्यान रखना, ठीक है। चलो तो जो पहला पॉइंट है, ये जो पहला टॉपिक रहेगा ये रहेगा आपका हरित क्रांति। और दूसरा टॉपिक आप पढ़ोगे इसमें श्वेत क्रांति। और तीसरा टॉपिक वन्य जीव संरक्षण। ठीक है, ध्यान से देखते जाना और याद करना है, इस बात को ख्याल रखना, ठीक है। तीन टॉपिक कवर होगा आज कंप्लीट। पहला हरित क्रांति है, दूसरा है श्वेत क्रांति, और तीसरा क्या है, वन्य जीव संरक्षण। तीनों को कवर करना है दोनों हिसाब से, क्योंकि आप इसमें देखोगे कि जैसे जो मेंस प्रोस्पेक्टिव में क्यों इसको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि मेंस में मेंस के अंतर्गत इसके दोनों प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या इसमें फैक्ट होगा और क्या इसमें एनालिसिस होगा। आवाज कट रहा है क्या? तो इसमें दोनों हिसाब से पढ़ना है, एक तो फैक्ट के बेसिस पर और दूसरा अपने को एनालिसिस के बेसिस पर, क्योंकि दोनों हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्री में आप यही पढ़ लियो, लेकिन उसके कुछ ऐसे डायमेंशन, कुछ ऐसे आयाम जो कि आपको स्टेटमेंट वाइज मिलेंगे, इसलिए इसको इस हिसाब से भी थोड़ा डील करेंगे, ठीक है। तो तीन टॉपिक ध्यान देना, हरित क्रांति, दूसरा क्या है श्वेत क्रांति, तीसरा वन्य जीव संरक्षण। स्टार्ट करें, है ना, लिखते भी रहना, लिखना होगा, बट ज्यादा करके सुनना, सारी चीजें आपको यहां पे स्कैन के माध्यम से मिलेंगी। चलो तो पहला अपन स्टार्ट कर रहे हैं यहां पर ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या कहता है। तो हरित क्रांति के विषय में, हरित क्रांति के विषय में पहला पॉइंट अगर हम देखें विश्व के परिप्रेक्ष्य में, वर्ल्ड वाइड, तो विश्व में ये जो शब्द है हरित क्रांति का, जो शब्द है ये शब्द एक व्यक्ति ने इंट्रोड्यूस किया, उस व्यक्ति का नाम है विलियम गैड। उस व्यक्ति का नाम क्या है, विलियम गैड, पहला फैक्ट। और दूसरा, ये विलियम गैड का जो संबंध है ये अमेरिका से संबंधित है। कहां संबंधित है, अमेरिका से संबंधित पर्सनालिटी है। दूसरा, हरित क्रांति का जो जन्मदाता कहलाता है विश्व स्तर पर, तो हरित क्रांति का जो जन्मदाता है विश्व में, इसके जन्मदाता के रूप में जाना जाता है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। क्या नाम इनका, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, ठीक है। एकदम सरल से हम जाएंगे कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, चीजें एकदम सरल है अभी अभी, धीरे धीरे बहुत सारा कंटेंट हो जाएगा और उसको आपको डाइजेस्ट भी करके चलना है, ठीक है। तो हमने बोला नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग ने ये इस क्रांति को स्टार्ट किया, ग्रीन रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया, और इनका जो जन्म हुआ है, इनका जन्म हुआ है अमेरिका में, इनका भी जन्म हुआ है, और अमेरिका में एक प्रांतीय व्यवस्था आपको मालूम है वहां पर, उसका नाम है आईओवा प्रांत। अमेरिका में उस प्रांत का नाम क्या है, तो आईओवा प्रांत, यहां पर इनका जन्म हुआ है। तो अमेरिका के आईओवा प्रांत में जन्म हुआ जरूर है, लेकिन इस बोरलॉग का जो कर्म भूमि था, जो काम जहां पे किए थे, इनकी कर्म भूमि अमेरिका में ना होकर के मैक्सिको में थी। कहां पर थी, तो मैक्सिको, माने भले जन्म कहां पर हुआ है, अमेरिका के आईओवा प्रांत में, अमेरिका के कहां पर हुआ है, तो आईओवा प्रांत में, लेकिन इनका कर्म भूमि कहां था, मैक्सिको, और मैक्सिको में इनकी कर्म भूमि मैक्सिको में है। लेकिन इस क्रांति को सहायता देने के लिए विश्व स्तर पर एक संस्थान काम करता है, और उस संस्थान का नाम है आपका रॉकफेलर फोर्ड फाउंडेशन। समझ
संस्थान का नाम क्या है? रॉकफेलर फोर्ड फाउंडेशन। क्या बोलेंगे? रॉकफेलर फोर्ड फाउंडेशन ये संस्थान है। अब नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग के बारे में अगर इसके अचीवमेंट्स की बात करें तो इनके दो अचीवमेंट से ध्यान रखना, हो सकता है फैक्ट में पूछ ले क्या सही है क्या गलत है। तो इनको मिल चुका है विश्व खाद्य पुरस्कार, और साथ में इनको मिल चुका है विश्व का जो नोबेल प्राइज है शांति के क्षेत्र में, तो शांति का नोबेल पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। शांति के क्षेत्र में कौन से पुरस्कार की बात करें तो नोबेल पुरस्कार इनको मिल चुका है, दोनों पुरस्कार इनको मिल चुका है, एक तो विश्व खाद्य पुरस्कार है और दूसरा अपन क्या बोलते हैं शांति का नोबेल पुरस्कार। ये हरित क्रांति की स्टार्ट। अब इसी के साथ साथ अपने को यह देखना है कि जब इस हरित क्रांति को स्टार्ट किया गया तो क्या सोच के हमने स्टार्ट किया, तो इसको स्टार्ट करने का जो मोटिव ये था, इसका जो उद्देश्य ये था, इसका जो मोटिव, इसका जो उद्देश्य जो है, ये उद्देश्य है खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, अभी चीजें बहुत सरल लेवल पे चल रही हैं, इसलिए आप चीजों में धीरे से इन्वॉल्व हो गए। अब हरित क्रांति का जो उद्देश्य मिल गया, लेकिन इसके लिए हमने जो फसल जो हमने यहां पे ऑप्ट किया था, उन फसलों में पहली फसल यहां पर गेहूं दिखाई पड़ती है, गेहूं, और दूसरा है चावल, गेहूं चावल, और तीसरा जो है मक्का। क्योंकि देखो अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जहां पर एक शहर पड़ता है, उसका नाम है शिकागो। क्या नाम उसका? शिकागो। और शिकागो पूरे विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी कहलाती है, और मांस मंडी कहने वहां पे जो सुअर का जो वहां पर मांस एक्सपोर्ट होता है, वहां पर वहां से एक्सपोर्ट होता है, तो उनके लिए सबसे अच्छा भोजन होता है मक्का होता है। क्या होता है? मक्का। और देखो वहां पर घास के मैदान भी पाए जाते हैं, जब घास के मैदान मिलेंगे तो सीधी सी बात है घास से पशुपालन से ऐसे पशु का उत्पादन वहां पर होगा। तो ये तीन चीजें ध्यान रखिएगा, गेहूं, दूसरा मैंने बोला चावल, तीसरा क्या है मक्का। बट ऐसी कौन सी प्रजातियां हैं तीनों की जिनका इस्तेमाल इन्होंने किया? तो गेहूं में जो प्रजाति हमको मिलती है, तो पहली प्रजाति का नाम है आपका लर्मा। क्या नाम इसका? लर्मा। एक दूसरे वाले का नाम है रोजो। क्या नाम इसका? रोजो। पहले का नाम क्या है? लर्मा, दूसरा रोजो, तीसरा, तीसरे वाले का नाम रहेगा सोनारा। क्या नाम पड़ेगा? सोनारा। पहले वाले का नाम क्या है? लर्मा, दूसरा रोजो, तीसरा सोनारा, एंड फोर्थ वन का नाम पड़ता है, इसका नाम पड़ेगा नॉरिन। क्या नाम पड़ेगा? नॉरिन। ये चारों प्रजातियां किसकी है? तो गेहूं की है वर्ल्ड वाइड, लेकिन साथ में ही चावल की कुछ प्रजाति यहां पर मिलती है, उसको बोलते हैं हम लोग ताइचुंग। क्या नाम पड़ेगा? ताइचुंग। और एक प्रजाति मिलती है IR36, इंटरनेशनल राइस 36, और यहां पर IR64। ये दोनों के दोनों, आई मतलब इंटरनेशनल, आर से राइस, इंटरनेशनल राइस, तो ये कोड है, तो इसके कोड नंबर में 36 और कितना है तो 64। और मक्के की कोई खास प्रजाति नहीं, बट दोनों को ध्यान रखना कि यहां पर गेहूं और चावल की ये प्रजातियां हैं। मान लो कभी रैंडमली उठा के पूछे, ऑप्शन चारों रहेंगे कि बोले कि इनमें से कौन सी गेहूं की है और कौन सी गेहूं की नहीं है। तो पहले वाले का नाम हमने क्या बोला? लर्मा। एक सेकंड नाम क्या है? रोजो। थर्ड है सोनारा, और चौथा है नॉरिन। ये गेहूं की प्रजातियां हैं। अब चावल की बात हमने की, पहला नाम क्या है तो ताइचुंग। क्या नाम है? ताइचुंग। फिर क्या नाम है? IR36 और IR64। ठीक, यहां पर हरित क्रांति की शुरुआत। अब देखो इससे संबंधित जो भी हमारे पास रिसर्च सेंटर है, जो अनुसंधान केंद्र मिलेगा, उसको हमको देखना है कि भाई जब चावल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं, तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय जो अनुसंधान केंद्र है ये हमको मिलता है मनीला में। कहां मिलेगा अपने को? मनीला। बट ध्यान रखिए मनीला जो है फिलीपींस में पड़ता है। कहां पड़ता है? फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी मनीला में अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। तो चावल के लिए इंटरनेशनल जो रिसर्च सेंटर है ये कहां पर है आपका? मनीला। जबकि गेहूं के लिए पड़ता है मैक्सिको। कहां पर मिलेगा? मैक्सिको। गेहूं के लिए मैक्सिको में जो है अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र। फ्लो चार्ट पे ध्यान देना, अच्छे से लिखना नहीं पड़ेगा आपको। फिर चलते हैं वापस। तो सबसे पहले हमने यहां स्टार्ट किया और ये बोला भाई हरित क्रांति का जन जो शब्द देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? विलियम गैड। पहला आदमी क्या नाम इसका? विलियम गैड। कहां जन्मा व्यक्ति है? अमेरिका।
ठीक है, इस शब्द इस क्रांति के जन्मदाता किसको बोलते हैं? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, है ना। इनका जन्म भी कहां होगा? अमेरिका के आईओवा प्रांत, ठीक है। इनका कर्मभूमि कहां पर है? मैक्सिको। इस क्रांति को सक्सेसफुल बनाने में संस्थान कौन सा काम करेगा? रॉक फेलर फोर्ड फाउंडेशन, अभी पूछूंगा, ठीक है। और यहां पर दो पुरस्कार, पहला क्या है? विश्व खाद्य पुरस्कार, और दूसरा क्या बोलते हैं? शांति का नोबल पुरस्कार। और ऑब्वियसली बात है यार, हरा भरा क्रांति लेकर के आना मतलब कि खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना है, बट ऐसी कौन सी फसलें हैं जिनको हमने चयन किया और उनकी प्रजातियों का नाम यहां पर दिख रहा है। पहले का नाम क्या है? लरमा, सेकंड में रोजो, तीसरे में सोनारा, फिर है और इधर चावल में क्या है? ताइचुंग। क्या नाम है? ताइचुंग, फिर है IR36, IR64, ठीक, ये यहां पर है। अब उसके बाद देखो, इसी हरित क्रांति को अगर हम लेके चले इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में, बट उसके पहले कुछ बातें और जो बिफोर इंडिपेंडेंस जाननी जरूरी है। तो देखो, सबसे पहले यहां पर हमको 1929 में, अब इंडिया के सेक्शन में पर एंटर कर रहे हैं, तो 1929 में जो है, ध्यान रखिएगा कि 1929 में एक संस्थान बनेगा, उसका नाम है ICAR। क्या उसका? ICAR, ठीक। तो ICAR एक संस्थान है 1929 में, तो ICAR एक संस्थान है 1929 में, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, तो ये संस्थान जो है ये 1929 में बनाया गया है 16 जुलाई को। कब बनाया गया है? 16 जुलाई, डेट याद रख लेना, अब तो ईयर वाला खेल खत्म। ईयर आया करता था, अब जो आता है वो डेट के साथ एकदम पूछा जाता है। तो तारीख क्या हो गई? 16 जुलाई 1929 को एक संस्थान बनेगा ICAR। क्या नाम है? ICAR। और इस संस्थान का मुख्यालय यहां पर होगा नई दिल्ली। कहां पर होगा? नई दिल्ली। किधर? नई दिल्ली। कहां पर होगा? नई दिल्ली। और ये जिस कमीशन की सिफारिश पर बनेगा, जिस कमीशन की सिफारिश पर बनेगा, उस कमीशन का नाम रहता है रॉयल कमीशन। क्या नाम रहता है इसका? रॉयल कमीशन। तो रॉयल कमीशन की सिफारिश पर, रॉयल कमीशन की सिफारिश पर ही इसकी स्थापना की गई है ICAR की। मुख्यालय नई दिल्ली बन गया है। उसके बाद हम आते हैं, तो हमने बोला कि 1951 जैसे हम आजाद हुए संविधान बन गया। अब आवश्यकता थी भाई हमारे भारतीय जो कृषक देश में हम आखिर डेवलपमेंट करें एग्रीकल्चर का, तो हमने पहली पंचवर्षीय योजना में जो हमारी फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, पंचवर्षीय योजना है, इस पहली पंचवर्षीय योजना काल में, योजना में हमने कृषि को लक्ष्य बनाया, मैं कृषि को लक्ष्य बनाया, लक्ष्य बनाया। अब देखो, लक्ष्य बनाने के लिए हमको कुछ कार्यक्रम भी चलाने होते हैं, और कार्यक्रम ऐसा कृषि में जिसे कहते हैं गहन कृषि कहते हैं, मतलब हमको इंटेंसिव एग्रीकल्चर करने की आवश्यकता पड़ती है ताकि कृषि में अधिक उत्पादन हो सके। हम भारत में एंटर कर चुके हैं और भारत में अब आवश्यकता है कि हम कृषि को कैसे सक्सेसफुल बना सके। तो हमने जो है सबसे पहले टारगेट बनाया, किसको बनाया? आपका कृषि को। भाई ऑब्वियसली भारत में कृषि प्रधान देश भी है, आधी से अधिक आबादी इसमें इन्वॉल्व भी है और आधी से अधिक भूमि इसमें इन्वॉल्व है। दूसरा हम देखते हैं 1951-1956 के बाद जो हमारा अगला ईयर आएगा वो आएगा 1960, फिर आएगा 1960 एंड 61। देखो बहुत सारे ईयर आएंगे, अब यहां पे आपके लिए चीजें चैलेंजिंग हो जाएंगी। अभी तक सरल चल रहा था, अब थोड़ा सा ईयर आएगा कंफ्यूज हो गए, उसमें क्या प्रोग्राम है वो भी आपको शामिल है, याद करना पड़ेगा। तो पहला ईयर 1929, तारीख 16 जुलाई, ठीक है। फिर अगला ईयर हमको क्या मिलता है? 1951 से 56, 1951 से 56। फिर अपन आए 1960, 1960 से 61। फिर आइए यहां पर, तो यहां पर मिलेगा 1963, क्या मिलेगा अपने को? 1963। फिर मिलेगा 1963, क्या मिलेगा? 1963। और 1963 के बाद हम चलेंगे 1964 और 65, ठीक है। 1965 के बाद 1965, और यहीं पर याद रखना 1966, यहीं स्टॉप करते हैं फिलहाल कहानी को, पहले इतना ही याद हो जाए, ठीक है। इसको ये ना सोचें कि घर में जाकर रिवाइज करूंगा, जो भी यहीं पे खत्म करना है अपने को, क्लियर। तो बैठने का हमको 3 घंटे का आउटपुट मिलना चाहिए। 64, 65 और 1965, ठीक है। और लास्ट 1966-67, वहीं तक अपने को लेके चलना है। अब देखो यहां पर अगर मान लो ये पूछा जाए कि भाई ये आखिर हो क्या रहा है सब चीज, तो 1960s में हमारे भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय, पहला कृषि विश्वविद्यालय हमारे भारत में खुल गया है, क्योंकि अनुसंधान के लिए कोई संस्थान चाहिए और वो संस्थान यहां पर स्थापित होता है
विद्यालय, तो विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय जो है पहला भारत का स्थापित कब हुआ, 1960 में, और ये होता है उत्तराखंड के अल्मोड़ा शहर में। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के पास में एक नगर पड़ता है, उसे बोलते हैं पंत नगर। क्या बोलते हैं इसको? पंत नगर उत्तराखंड। हालांकि तब उसे उत्तर प्रदेश हुआ करता था, बट अभी ये उत्तराखंड में पंत नगर के पास अल्मोड़ा में जो नाम है उसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत। क्या नाम इसका? गोविंद वल्लभ पंत। तो गोविंद वल्लभ पंत के नाम से जो कृषि विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कर दी गई है 1960 में। कब स्थापित की? 1960 में। फिर आते हैं 1960-61 की बात करें तो यहां पर एक कार्यक्रम चलेगा अब यहां पर, और उस कार्यक्रम का नाम जानना जरूरी है। अब वो कार्यक्रम क्या है देखो, उसका कार्यक्रम का नाम है आपका गहन कृषि जिला कार्यक्रम। ये ऐसे प्रश्न हैं जो एकदम छुपे हुए हैं और कभी अचानक आ जाए तो लगता है क्वेश्चन टफ आ गया। क्वेश्चन टफ नहीं आया, हमने इसको याद ही नहीं किया, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहां पर गहन कृषि जिला कार्यक्रम की शुरुआत 1960-61। उसके बाद देखो, कृषि को डेवलप करने के लिए हमको चाहिए होता है पैसा, और पैसा चाहिए होता है किसान को। तो कृषि के लिए यहां पर एक बनेगा निगम, उसे हम कहते हैं कृषि पुनर्वित्त निगम। क्या नाम है निगम का? कृषि पुनर्वित्त निगम की स्थापना कब की गई? 1963। अब कृषि के लिए हमको चाहिए बीज। क्या चाहिए अपने को? बीज। तो भाई यहीं पर देखो कि 1963 में यहां पर हमको मिलता है राष्ट्रीय बीज निगम। क्या मिलेगा अपने को? राष्ट्रीय बीज निगम। सबको कनेक्टेड करो। अब फिर वही बोलूंगा जो पहले पढ़ चुके हो या पहले सुन चुके हो कि ईयर्स को याद कैसे करते, तोड़ के याद करते हैं। तो मैंने पहले कृषि के लिए कार्यक्रम चलाना है, कब चलाना है? 1960-61। ठीक है, और कैसी कृषि अपन बोल रहे हैं तो गहन कृषि जिला स्तर पर चले कार्यक्रम। फिर हमको मालूम कृषि चाहिए, पर कृषि के लिए हमको चाहिए होता है पैसा। क्या चाहिए होता है? पैसा। फिर अपन कृषि से हम कोड उठाएंगे, कीवर्ड उठाएंगे पुनर्वित्त। क्या नाम इसका? पुनर्वित्त। वित्त मतलब पैसा, तो पुनर्वित्त निगम की स्थापना कब? 1963। और अगर हमको कृषि करना है तो अपने क्या चाहिए? बीज। तो ये बीज निगम कब है? 1963। ठीक है, 1963 में आ गए। अब 63 के बाद हम चले इसमें आगे, तो हमको 64-65 में यहीं पर एक कार्यक्रम थोड़ा सा एक्सपांड करेंगे, क्योंकि अभी केवल कार्यक्रम जिला स्तर पर है। कहां पर? तो जिला स्तर। अब यहां पे लिखेंगे गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम। क्या बोलते हैं हम इसको? गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम। यहां पर गहन कृषि क्या है? तो जिला कार्यक्रम। यहां पर क्या होगा? क्षेत्रीय कार्यक्रम। एकदम थिन लाइन डिफरेंस है, बट ईयर का डिफरेंस पड़ जाता है। यहां पर आपका 60 से लेके 61, और यहां पर कितना है? तो 64 और 65। फिर अपन आते हैं 1965। इंपॉर्टेंट ईयर है 1965। 1965 में ध्यान रखना, यहां पर दो इंपॉर्टेंट संस्थान आएंगी। एक संस्थान जो खाद्य का भंडारण करती है उसे कहते हैं FCI, तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। संस्थान का नाम क्या हो गया? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और यहां पर एक संस्थान बनेगा, दैट इज CAP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर प्राइस। तो पहले जो है जिसको आप लोग बाद में CACP के नाम से जानते हो, किस नाम जानते हो? तो CACP। तो CACP के जिस नाम से जानते हैं, ध्यान रखना CACP का पहले नाम क्या था आपका? CAP। क्या नाम था? CAP। ठीक है, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस। और इसकी स्थापना कब हुई? 1965। और यही CAP 1985 में कन्वर्ट होता है CACP में। ये 1985 में कब स्थापित होगा? CACP में। तो CACP बाद में बना, पहले क्या बना आपका? तो CAP। और इसका पुनर्गठन होता है कब? 1985। ठीक है, तो ये ईयर भी यहां पे याद रखना है। तो 1965 में दो चीजें आपको मिल रही है। तो पहला हमको मिल रहा है आपका FCI। क्या मिल रहा है अपने को? FCI। दूसरा क्या मिलेगा? CAP। CAP का होगा पुनर्गठन, कब होगा? 1985। अब क्या बन जाएगा? CACP। सी से बनेगा कमीशन। क्या बनेगा? तो कमीशन।
ठीक है, कमीशन ए से बनेगा एग्रीकल्चर, क्या बनेगा एग्रीकल्चर, और सी से बनेगा कॉस्ट, ऑफिस बनेगा प्राइजेस, क्या बनेगा तो प्राइजेस, तो कमीशन ऑन एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइस। तो ध्यान रखना अगर क्या पूछ रहा है, अगर मूल स्थापना की बात कर रहा है तो 1965 और पुनर्गठन की बात कर रहा है 1985, ठीक है। इसका जो काम क्या होता है, अगर सीएसीपी या सीएपी की बात करें तो इसका जो काम होता है कि समर्थन मूल्य, इसका जो कार्य होता है एमएसपी को सिफारिश करना या समर्थन मूल्य की सिफारिश करना, कौन से मूल्य की सिफारिश करना, समर्थन मूल्य की सिफारिश करना भी पूछूंगा, इसलिए ध्यान से बैक बेंचर्स रेडी रहना, ठीक है। कौन से मूल्य की बात करें, समर्थन मूल्य, तो समर्थन मूल्य की सिफारिश करना काम है, सिफारिश करना लागू भी यही करेगी लेकिन जारी कोई और करेगा, रिकमेंड करना कि भाई इतना होना चाहिए उसे अपन क्या बोलते हैं सिफारिश, क्या बोलते हैं उसको सिफारिश, ठीक है। और इसका काम कि एमएसपी को, तो एमएसपी को का सिफारिश भी करना और एमएसपी को भारत में क्या करना तो लागू करना, ये दोनों काम किसका होता है तो सीएससीपी, ठीक है। बट एमएसपी का जो निर्धारण करेगी, ये जो निर्धारण करती है ये करेगी निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है, तो सरकार की जो केंद्रीय सलाहकार समिति है, केंद्रीय सलाहकार समिति, सलाहकार समिति के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है और कृषि मंत्रालय के अधीन काम करेगा। अब समझना सीएसीपी यहां पे फंस गया हमारे पे, हमने बोला 1965, क्या बोला हमने 1965, क्या बोले 1965, दो संस्थान, पहले का नाम क्या है एफसीआई, क्या बोलोगे एफसीआई, क्या बोलोगे एफसीआई, सेकंड का नाम है सीएपी, पहले का नाम है एफसीआई, दूसरे का नाम है सीएपी, सीएपी और एफसीआई में एफसीआई का फुल फॉर्म क्या है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक, बहुत सरल है ये, एग्जाम में शायद ही आएगा। दूसरी बात करते हैं सीएपी, सीएपी की बात करें तो यहां पर इसका नाम पहले सीएपी था, बाद में क्या होता है 1985 में सीएसीपी, और इसका काम एमएसपी का, एमएसपी को क्या करना तो लागू करना और उसकी सिफारिश, दो काम करेगा, पहला क्या होगा लागू और क्या करेगा सिफारिश, बट एमएसपी का निर्धारण कौन करती है सरकार की, कौन समिति, केंद्रीय सलाहकार समिति, इनका काम यह करना है कि तीन काम यहां पे मिल गया, एक काम सिफारिश, एक काम निर्धारण और एक काम क्या होता है लागू, पहले क्या करेंगे सिफारिश, फिर क्या करेंगे निर्धारण और फिर क्या करना है लागू, तो सिफारिश और लागू करने का काम होता है सीएसीपी का, लेकिन इसको जो निर्धारित करने का या निर्धारित साथ लिख सकते हैं यहां पर जारी करने का यह काम होता है किसका होता है आपका, केंद्र सरकार की केंद्रीय सलाहकार समिति का। ये तो हम एक हमारे भारत में पहली हरित क्रांति के पहले का सीन है ये, अभी तो हरित क्रांति स्टार्ट भी नहीं हुआ है क्योंकि ये कार्यक्रम है और कार्यक्रम एक विधिवत तरीके से चल रहा है यहां पे हमारा। अब हम आते हैं यहां पर 1966 द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर, कि अब यहां से चीजें थोड़ी सी चेंज होंगी तो आपको ध्यान यहां पे रखना है कि अब क्या लिखने जा रहे हैं। देखो पहला पॉइंट, पहला हेडिंग यहां पे रहेगा प्रथम हरित क्रांति, प्रथम हरित क्रांति, तो प्रथम हरित क्रांति की बात करें तो ध्यान रखिएगा इसमें अब क्या क्या फैक्ट जुड़ेगा। पहला पॉइंट तो यही है, ठीक, फ्लो चार्ट जैसे बनाना वैसे बना लो या फिर मत बनाओ, सारा कुछ स्कैन में मिलेगा, पहले पूरा ध्यान दो बोर्ड में क्या क्या चीजें अपन को याद करनी है। अपन टॉपिक क्या उठा लिया, तो प्रथम हरित क्रांति जो आपके एग्जाम में लिखा हुआ है, ठीक है। अभी हम इससे फैक्ट पे बात कर रहे हैं, तो पहला पॉइंट तो यही है कि इसकी जो शुरुआत है, इसकी जो शुरुआत मानी जाती है ये है 1966 और 1967, 1966 और 1967 में शुरुआत हुई है। दूसरा, जब ये शुरुआत हुआ उस समय जो तात्कालिक प्रधानमंत्री थे उनका नाम था, अगर मान लो प्रधानमंत्री में शुक्र मनाना कि एक ही नाम मिले आपको, अन्यथा दोनों नाम मिल सकते हैं, एक नाम है लाल बहादुर शास्त्री और दूसरा नाम इंदिरा गांधी, हालांकि सपना लाल बहादुर शास्त्री जी का था लेकिन इनकी अचानक मृत्यु होने के कारण से इनके सपने को अंजाम देने काम किसने किया, इंदिरा गांधी, वो आप नारे समझ सकते हैं कि जो जय जवान और जय किसान इनका नहीं, इनका था, इनका लाल बहादुर शास्त्री, तो कृषक बैकग्राउंड को लेकर थोड़ा सा एक रिवॉल्यूशनरी अप्रोच रखते थे, कौन रखते थे आपके लाल बहादुर शास्त्री, उसको एग्जीक्यूट करने का इंदिरा गांधी ने किया। और 1966 के समय पर जब यहां पर जो पदाधिकारियों में एक कृषि मंत्री, कृषि एवं खाद्य मंत्री जो इस समय थे, तो कृषि खाद्य मंत्री के तौर पे यहां पर थे सी सुब्रमण्यम, क्या नाम था इनका, सी सुब्रमण्यम,
ठीक, तो सी सुब्रमण्यम जो है कृषि एवं खाद्य मंत्री के पद पर थे, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री नाम मिले तो किनको लेना है, इंदिरा गांधी, और शुरुआत 1966 और 67। अब देखो इसमें अगला पॉइंट क्या बनेगा, भारत में जो क्षेत्र हमारे पास बसता है ये भारत का उत्तर पश्चिमी भाग है, कौन सा भाग है तो उत्तर पश्चिमी भाग, दैट इज उत्तर, और ये क्या होगा आपका पश्चिम, तो इसका जो प्रभाव है, इसका जो प्रभाव दिखाई पड़ेगा ये मिलेगा उत्तर पश्चिम भाग में, कौन से भाग में दिखाई पड़ेगा, उत्तर पश्चिम भाग में, और इस प्रभाव के चलते जो राज्य इससे प्रभावित होंगे हरित क्रांति से, उन राज्यों में पहला राज्य होगा पंजाब, क्या होगा तो पंजाब, दूसरा हमको मिलेगा हरियाणा, क्या मिलता है अपने को हरियाणा, तीसरा मिलेगा अपने को उत्तरी राजस्थान, क्या मिलेगा अपने को उत्तरी राजस्थान, पूरा राजस्थान नहीं केवल कैसा राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, एक लास्ट और मिलेगा उसे कहते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, क्या मिलेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक। और जब इसका प्रभाव या इससे प्रभावित जो फसल होगी वो फसल होगी गेहूं, क्या होगी यहां पर तो गेहूं, गेहूं के उत्पादन में भयंकर वृद्धि हुआ, भाई देख लो कहां कहां लोकेट हो रहा है, पहला हमने क्या बोला पंजाब, फिर हमने क्या बोला हरियाणा, फिर पश्चिमी उत्तर उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इस एरिया में तो सारे नदियां 12 महीने के लिए बहती हैं, और किसी भी क्रांति को एग्जीक्यूट करने के लिए भैया चाहिए संसाधन, क्या चाहिए अपने को संसाधन, और संसाधन देखो संसाधन मतलब कैसे संसाधन होते हैं, तो देखो इसमें जो संसाधन थे वो कौन कौन से संसाधन थे, सवाल अभी ये उठता है, अब यहां पर ये फैक्ट्स अपन बाहर जा रहे हैं, ठीक है। अब अगर मान लो लेवल देना होगा तो आपको ऐसे प्रश्नों पे लेवल देना चाहिए कि यहां पे बच्चा तार्किक होकर सोच सके कि ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेस हैं जो कि हरित क्रांति को सक्सेसफुल बनाने के लिए आवश्यक थे, तो जो आवश्यक संसाधन है, आवश्यक संसाधन है उनमें पहला बौनी प्रजाति के गेहूं के बीज, या गेहूं के स्थान पे आप चाहो तो लिख सकते हो फसल, कि ज्यादा बड़ा ना हो, क्यों, क्योंकि बड़ा अगर हम उसको करते रहे तो उसमें समय लगेगा, दूसरा अभी देख लो हाल फिलहाल में जब बारिश हुई है तो वही ऊंचा फसल अब कहीं ना कहीं झुकना चालू हो गया, पूरी फसल चौपट हो रही है, तो हम ये कह रहे हैं कि ज्यादा समय भी ना लगे और उत्पादन भी क्या हो जाए तो ज्यादा हो जाए, मतलब कम समय में, ये कह सकते हैं कि इस हरित क्रांति का उद्देश्य वहां हमने लिखा है खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि, बट इसका मोटिव और अगर हम सटीकता से देखें तो कम समय में अधिक उत्पादन, कम समय में क्या करना होता है अधिक उत्पादन, यही इसका मोटिव था। तो बौनी प्रजाति के फसल के बीज ये संसाधन के तौर पर इस्तेमाल किए, और दूसरा एक शब्द होता है उसे बोलते हैं हाई यील्डिंग शीट्स, क्या बोलते हैं हम इसको हाई यील्डिंग सीड्स, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग उन्नतशील बीज, क्या बोलते हैं इसको उन्नतशील बीज, मतलब ये है कि ऐसे बीज जो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन दे सके, ऐसे बीज उसे देखो एक प्रोसेस होता है उसे कहते हैं हम लोग सीड ट्रीटमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको सीड ट्रीटमेंट, मतलब कि जो फसल का भी कहीं ना कहीं उसका ट्रीटमेंट करना होता है, ताकि क्यों ऐसा करते हैं ताकि फसल जो है कम से कम रोग से प्रभावित हो सके, या फसलों की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो सके तो अधिक हो, ठीक है। तो यही हमने यहां पर बोला कि भाई ऐसे ट्रीटमेंट वाले बीज लेके आइए जो कि अधिक से अधिक समय तक चीजों से एकदम अपने आप को रेजिस्टेंस करके रखें, रोग से रोगग्रस्त ना हो, ठीक है। और साथ में यहां पर बोला गया कि भाई कृषि का हमको करना है यंत्रीकरण करना है, यंत्रीकरण समझते होंगे चाहे हार्वेस्टर हो चाहे फिर ट्रैक्टर हो चाहे फिर थ्रेसर हो, ऐसे मशीनों का इस्तेमाल करना है ताकि हम कम समय में अधिक उत्पादन कर सकें। फिर तीसरा हमको पॉइंट मिलेगा यहां पर सिंचाई के संसाधन, क्या मिलता है अपने को सिंचाई के संसाधन, और एक लास्ट जो इसके आवश्यक संसाधन में थे वो था कृषि के बड़े जोत, बड़े आकार, या उसे हम बोलते हैं आकार को बोलते हैं जोत, और ये सारी स्थितियां हमको मिलती हैं पंजाब में, कहां पर मिलती हैं पंजाब। तो पहला हमने बोला यहां पर कैसी किस्म के, तो बौनी प्रजाति के गेहूं के बीज, ठीक, या फसल बोल सकते हो। दूसरा हमने क्या बोल दिया हाई यील्डिंग सीड्स, ठीक है, इसे कहते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं उन्नतशील बीज। तीसरा क्या चाहिए यंत्रीकरण, फिर सिंचाई के संसाधन, और कृषि के बड़े आकार या फिर जोत। भाई जितना बड़ा खेत होगा उतना बेहतर तरीके से उत्पादन हो सकता है,
हम ऑब्वियसली समझे कि हमारे पास अगर खेत के जो आकार छोटे हैं तो उत्पादन भी वहां पर कम होगा, और ऐसे में उसका जो उत्पादन होगा उसको हम बेचेंगे कि खाएंगे, सीधी सी बात है ना। किसान खेती पहला प्राइमरी उसका ऑब्जेक्ट ये होता है कि वो कम से कम अपना जीवन चला ले, और इसीलिए हमने ये जानना है कि भारत की जो कृषि है कोई व्यावसायिक कृषि नहीं है, वाणिज्यिक कृषि नहीं है, हम केवल जीवन निर्वाह कृषि करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? जीवन निर्वाह। ये कृषि हमारे हमारे कृषि की विशेषता है कि भारतीय कृषि की जो प्रकृति है, जो भारतीय कृषि की अगर प्रकृति की बात करें तो यहीं से इस टॉपिक उठाते हैं, तो भारतीय कृषि की जो प्रकृति है, भारतीय कृषि की प्रकृति ये जीवन निर्वाह कृषि है। मान लो कभी पूछे कि भाई ये कृषि मानसून पर आधारित कृषि है, किस पर आधारित है? तो मानसून पर आधारित कृषि है ये कृषि, ये मानसून का जुआ कहलाती है। क्या कहलाती है? मानसून का जुआ कहलाती है ये कृषि। हमारे भारत में ये छोटे व सीमांत जोत वाली कृषि है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है एक प्रैक्टिकल या एनालिटिकल फॉर्म में कि कौन कौन सी बातें भारतीय कृषि की विशेषता को दर्शाती है। तो पहला हमने वहां पर यह बोला कि हमारी जो कृषि है कैसी, आपका जीवन निर्वाह कि जीवन चल जाए। दूसरा हमने क्या बोला? मानसून पर आधारित कृषि है, मानसून आया तो कृषि भी आएगा, नहीं तो कृषि जाएगा। फिर हमने बोला यहां पर किसका जुआ है, तो मानसून का जुआ है, और कैसे जोत की बात कर रहे हैं, छोटे व सीमांत जोत वाली कृषि है, ये भारतीय कृषि की कैरेक्टरिस्टिक है, उनकी विशेषता है। फिर हम यहीं पर थे। अब इसके बाद देखो ये सारा कुछ हो गया। फिर हम ये बोल रहे हैं कि अगर मान लो कभी उस लेवल पे, हालांकि एग्जामिनर नहीं जाएगा बट फिर भी अगर चला भी गया तो अपने इसके लिए भी तैयार रहना कि मान लो कि कुछ प्रजातियां हमारे भारत में जो विश्व स्तर की प्रजातियों से कन्वर्ट होकर के आई हैं, उनमें एक का नाम है आपका सोनारा। क्या नाम उसका? सोनारा। और एक का नाम है यहां पर लरमा। क्या नाम उसका? लरमा। तो देखो लरमा को हमने कन्वर्ट किया और इसका नाम कर दिया पूसा लरमा। क्या नाम इसका? पूसा लरमा। और इसका नाम है साबरमती या सरवती सोनारा। मतलब ये वैश्विक स्तर के बीजों का कन्वर्जन इंडियन जो कलेवर में हुआ है वो इस नाम से हुआ है कि जो सोनारा है वो सोनारा जो है ये क्या हो गया आपका, तो साबरमती या सरबती सोनारा। और लरमा को क्या बोलते हैं? तो पूसा लरमा। ये नाम हमारे इंडिया में लाया गया। ठीक, तो ये एक प्रकार से प्रथम हरित क्रांति का हमारे पास एक छोटा सा व्यू मिल गया। अब हम फिर से कार्यक्रम पे आते हैं। बीच में 1966 और 67 आया तो बता दिया गया, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम जो आता है एम एस स्वामीनाथन का। किसका नाम आता है? एम एस स्वामीनाथन। ये भारत में हर किसी को पता है कि भारत में जो हरित क्रांति के जो जनक हैं वो कौन है? हरित एम एस स्वामी नाथन। तो भारत में अभी आदमी स्पेशल को अपन सफेद रंग से लिख देते हैं। तो भारत में हरित क्रांति के जनक का नाम क्या है? तो एम एस स्वामी नाथन। स्वामी नाथन। अब जब बोरलॉन्ग का जन्म स्थान जान रहे हो इसका भी जान लो, इनका जन्म होता है चेन्नई में। कहां होता है? चेन्नई। और चेन्नई में होने के कारण से, और एक भी ध्यान रखना, एम एस स्वामीनाथन कोई किसान नहीं है पहली बात तो, ठीक है, ये वनस्पति वैज्ञानिक हैं, ये बाय प्रोफेशन क्या है आपके, तो वनस्पति वैज्ञानिक ने भारत में हरित क्रांति लाने की बात ही सोचो। मैंने है कोई और बैकग्राउंड से और ला रहे हैं हरित क्रांति, मतलब ये कह रहा हूं कि अगर चाह लो तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी होकर के। तो ये एग्जाम्पल है। ठीक, फिर हमने ये बोला कि चेन्नई में, अब लगे हाथ एक बहुत और ध्यान रखना कि चेन्नई चेन्नई पड़ता है हमारा तमिलनाडु में। कहां मिलेगा अपने को? तमिलनाडु। और यहीं पर हमको मिलता है एक कृषि, उसे कहते हैं अवलंबी कृषि अनुसंधान केंद्र। अभी एकदम फैक्ट वाली चीज है, अवलंबी कृषि अनुसंधान केंद्र ये भारत में अगर किसी स्थान पर है तो कहां पर है आपका? तो चेन्नई में। अवलंबी कृषि मतलब इनका ये अप्रोच था कि मैं ऐसा डेवलपमेंट करूं एग्रीकल्चर का कि जो कम से कम एरिया में अधिक से अधिक उत्पादन कर बैठे। हमने अभी बोला फसल ऐसे उठाओ जो अधिक उत्पादन करे, अब ये कह रहे हैं कि हम ऐसा क्षेत्र चयन करें जो कम क्षेत्र में अधिक से अधिक उत्पादन कर दे। तो ऐसी कृषि की प्रणाली को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो अवलंबी कृषि बोलेंगे। क्या
क्या बोलते हैं हम इसको, अवलंबी कृषि। तो इनके नाम से अनुसंधान केंद्र यहीं पर है, कहां पर है आपका, चेन्नई, जहां पर जन्म स्वामी नाथन का हुआ है। और स्वामी नाथन पेशे से क्या थे, वनस्पति वैज्ञानिक। इस पोर्शन को ध्यान रखना, अभी आपको और कॉन्सेप्ट वाली बातें समझ में आएंगी। अब धीरे धीरे देखो कि इस हरित क्रांति के जो प्रभाव दिखाई पड़ते हैं, कि अगर मान लो ये पूछा जाए कि क्या इफेक्ट थे इसके, तो इसके प्रभाव में अगर बात करें तो हरित क्रांति का जो प्रभाव आता है, पहला प्रभाव हमको दिखाई पड़ेगा कि इसके सामाजिक प्रभाव की बात करेंगे, दूसरा इसके आर्थिक प्रभाव की बात करोगे आप, तीसरा इसके सांस्कृतिक प्रभाव की बात करोगे, ठीक है, इसके और जो अन्य प्रभाव हम देखेंगे। तो ये सारे इफेक्ट इसमें दिखाई पड़ते हैं हरित क्रांति के। समझ जाना इसको क्या बोलना चाह रहा हूं यहां पर। तो पहला सामाजिक प्रभाव, दूसरा है आर्थिक प्रभाव, तीसरा क्या है सांस्कृतिक प्रभाव, और बाकी अन्य प्रभाव क्या क्या होंगे। देखो भाई सीधी सी बात है, इसका सबसे बड़ा इफेक्ट यहां पर आर्थिक प्रभाव से, और एक प्रभाव और रहेगा उसे हम बोलते हैं पर्यावरणीय प्रभाव। देखो नो डाउट शॉर्टकट जरूरी होता है, बट शॉर्टकट इज ऑलवेज लॉन्ग कट कहते हैं। मतलब इन्होंने शॉर्टकट मारा कि यार कम से कम ये हो जाए कि कम समय में उत्पादन क्या हो जाए तो ज्यादा हो जाए। इसमें क्या किया गया, इसमें इन्होंने दो तीन काम और कर दिए कि इन्होंने कीटनाशक का प्रयोग कर दिया। किसका प्रयोग किया, कीटनाशक और साथ में रासायनिक खाद। कौन सी खाद का, रासायनिक खाद का उपयोग किया। किया ठीक बात है, उसमें दिक्कत नहीं था, लेकिन इनकी अधिकता से हमारा पर्यावरण प्रभावित होना चालू हुआ, क्योंकि कीटनाशक जब डाला जाता है पौधों के ऊपर तो उसका लगभग 1 से लेकर 2% मात्र जो है उसका फसल कैरी करता है, बाकी भाग कहां जाता है तो जमीन में, और वो जमीन वर्षा जल बनकर के हमारे शरीर में प्रवेश करता है। इस कारण से ऐसी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं उपजी और हमारा पर्यावरण क्या हो गया आपका, असंतुलन हो गया। फिर हमने बोला फसलों को खाने वाली चिड़िया, और ऐसे में उन रसायन को खा रही चिड़िया, तो चिड़िया की यहां पर क्या हो जाती, तो मृत्यु, इकोसिस्टम फिर से प्रभावित होगा। अब कभी देखना, कभी अचानक किसी स्थान पर मान लो 100, 150, 200, 1000, 1200 जितना भी है, अगर एक साथ पक्षी मर जाते हैं तो कहते हैं भाई ये पक्षियों पर प्रकोप आ गया, तो उससे भी इकोसिस्टम में हर एक प्राणी का होना जरूरी है, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो ये पक्षी हो, हर कीट का होना जरूरी, क्योंकि कीट भी कहीं ना कहीं सह अस्तित्व संबंध से ही चलते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने एक प्रभाव बता दिया, उस प्रभाव का नाम क्या, तो पर्यावरणीय प्रभाव। ऐसे सेंटेंस वाले क्वेश्चन आते हैं। सांस्कृतिक प्रभाव मतलब देखो क्या होता है, कल्चरल इफेक्ट, मतलब कि भाई यहां पर जब इसको देखेंगे सबसे पहले कि जो बड़े किसान हैं, जिनके पास जोत का आकार ज्यादा है, उन बड़े किसान की आय में बहुत वृद्धि हुई, जबकि जो छोटे और जो सीमांत श्रेणी के किसान हैं, इन किसानों की आय में वृद्धि तो हुई, लेकिन वृद्धि कैसी हुई, तो कम वृद्धि। अब देखो अगर मान लो पहले किसान 100 रुपए कमाया करता था, ये मान लो 10 कमाया करता था, ये भाई साहब का इनकम हो गया 1000 रुपए, कितना हो गया 1000, इसने मान लो कमाया 100 रुपए, पहले का डिफरेंस 90 रुपए था, अब डिफरेंस कितना हो गया, तो 900 रुपए का अंतर हो गया। मैंने कहा पहले 100 कमाते थे, ये कितना कमाते थे 10, अब ये कितना कमाए लगे 1000, ये कितने कमाए 100। भाई देखो सीधी सीधी सी बात है, अगर इनकम बढ़ा है तो उसका डिफरेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ गया, और ऐसे में आर्थिक प्रभाव मतलब कि फिर वही बात है, सोसाइटी में एक प्रकार से खाई बन गई, और इसे कहते हैं अमीर और गरीब के बीच की खाई, मतलब इसको बोलते हैं आर्थिक असमानता। क्या बोलते हैं इसे, आर्थिक असमानता, और उद्देश्य था समानता लाना, उद्देश्य क्या था, समानता लाना, लेकिन यहां तो आर्थिक असमानता मतलब गरीब थोड़ा सा अमीर हुआ और अमीर बहुत ज्यादा क्या हो गया, अमीर हो गया। तो इसके पहले व्यवस्था यह करनी थी भाई, कम से कम खेत को ढंग से बांट लेते, कि हमारे यहां भारत में जो भूमि का आवंटन है, जो जोत का आकार है, वही डिसाइडेड नहीं है, वही ढंग से बैलेंस रूप में डिवाइडेड नहीं है, तो ऑब्वियसली इफेक्ट भी वैसा ही आएगा। इस बात को हम पहले से, आजादी से पहले समझ जाते तो बेहतर होता है। जैसे आपने सुना होगा, हदबंदी सुना होगा, चकबंदी सुना होगा, ये सारे कार्यक्रम क्यों चलाए गए थे, ताकि जमीन का जो आकार को बैलेंस करके बांटा जाए। इवन एक कार्यक्रम भी सुनते हो, भूदान आंदोलन, कौन सा आंदोलन, भूदान आंदोलन, उसमें नाम समझ में आता है, भूमि दान करने के लिए हमने लोगों का आह्वान किया, एक नाम आता है आचार्य विनोबा भावे, क्या नाम है उनका, आचार्य विनोबा भावे। तो भाई उन्होंने क्या बोला कि भाई कम से कम जो जिनके पास ज्यादा जमीन है वो बांट दो, भला बांट दे कोई, जिगरा होने जो उसके लिए, ठीक है। तो किसी ने बांटा ही नहीं, तो आंदोलन केवल आंदोलन बनके रह गया। एक ऐसी क्रांति जिसमें किसी ने किसी का रक्त बहाया नहीं, इसे बोलते हैं रक्तविहीन क्रांति बोलते हैं।
क्या बोलते इसको, रक्तविहीन क्रांति। अगर मान लो कभी पूछ ले कि भाई एक आंदोलन है, उस आंदोलन का नाम है भूदान, क्या नाम है उसका, भूदान, तो भूदान आंदोलन को हम कह देते हैं रक्तविहीन क्रांति। क्या बोलेंगे हम उसको, रक्तविहीन क्रांति। और इसके जो जनक माने जाते हैं, ये शुरुआत होता है 1951 में, और जनक का नाम है आचार्य विनोबा भावे। क्या नाम है उसका, आचार्य विनोबा भावे। तो क्रांति का नाम कैसे था? क्या नाम है, तो रक्तविहीन क्रांति, और आंदोलन क्या कहलाता है, भूदान आंदोलन। स्टार्ट कब हुआ, 1951, और स्टार्ट करने वाले का नाम है आचार्य विनोबा भावे। फिर हम बोले कि यहां पर ये खाई बन गई, अमीर और गरीब के बीच की खाई बन गई, तो इस पे आर्थिक प्रभाव दिखाई पड़ता है। फिर हमने बोला सामाजिक प्रभाव, इसको दो प्रकार से देख सकते हैं कि समाज में अब अगर जो किसान पहले बिल्कुल नहीं कमाते थे, वो किसान ही छोड़ने वाले थे, मतलब ये भी कह सकते हो कि अब जो किसान है वो कहीं ना कहीं जो कृषि को व्यापारिक दृष्टिकोण से देखना चालू कर दिया। कौन से दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से देखना प्रारंभ कर दिया कि अब कृषि केवल जीवन निर्वाह तक नहीं, हम इसका व्यापार भी करेंगे। लेकिन वही है, कब तक, धीरे धीरे रसायन के प्रयोग से, केमिकल के यूज से जमीन तो खराब हो गई। बाद में समझ में आया कि हमने जिसको छोड़ा था वो थी आपकी जैविक कृषि। कौन सी कृषि थी, जैविक, उसको फिर से लाने की आवश्यकता है। फिर हमने वही है घरेलू कंपोस्ट खाद का बनाना और फेंकना चालू किया खेतों में, ताकि जो भूमि की जो फर्टिलिटी जो खराब हो गई थी अत्यधिक रसायन के उपयोग से दोबारा हम उसको प्राप्त कर सकें। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम फिलहाल है, ठीक है, जो हमने सरकार चलाई है नरवा गरवा घुरुवा और बाड़ी, कंप्लीटली जैविक स्टेट बनाने की योजना है। ग्रामीण अंचल को अगर आप ध्यान रख के सोचें तो योजना बहुत अच्छी, नो डाउट। कहां से स्टार्ट होगा, 1972, तो 1972 में एक कार्यक्रम चालू होता है, उसे बोलते हैं फसल बीज योजना या फसल बीज कार्यक्रम। ये शुरुआत कब हुआ, 1972, और एक और इंपॉर्टेंट है 1998 से लेके 1999, और ये कहलाता है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। क्या कहलाएगा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। और सन 2000 में यहां चालू होगा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। ठीक है, तो 1972 में हमने क्या बोला, फसल बीज कार्यक्रम एक। फिर देखो ये फेमस कार्यक्रम है किसान क्रेडिट कार्ड, ये पूछा गया प्रश्न है कई बार, ये चालू कब, 1998 और 99। 2000 में हम लोग क्या बोलते हैं, तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, और 2004 में एक बनेगा आयोग, उसे बोलते हैं हम लोग राष्ट्रीय कृषि आयोग। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय कृषि आयोग। और 2007 में चालू किया गया राष्ट्रीय कृषि नीति। क्या चालू किया गया, राष्ट्रीय कृषि नीति, कृषि या इसको बोलते हैं कृषक नीति। और 2007 के बाद फिर 2007 में ही राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा कार्यक्रम। देखो पहला 1972, क्या बोला, 1972, तो 1972 के बाद 1998, 1999, फिर कितना है 2000, फिर 2004, 2007, 2007, 2013, क्या रहेगा 2013, ईयर अभी हटेगा, ठीक है, सब नेक्स्ट स्लाइड में, सो ध्यान रखना राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा। एवं पोषण अधिनियम, अधिनियम राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा एवं कौन सा अधिनियम, तो पोषण अधिनियम। फिर चलो पहले हमने बोला कार्यक्रम का नाम क्या, तो फसल बीमा कार्यक्रम, ठीक है, क्या नाम इसका, फसल बीमा कार्यक्रम। फिर हम क्या बोलते हैं इसको, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, कार्ड योजना। और 2000 में हमने क्या बोला,